संगठन के केंद्र पदाधिकारी, प्रमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड एवं पंचायत के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तथा अन्य मीडिया के जितने भी स्रोत है और आने वाले तमाम साथी, सभी को सुहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी को सुहार जाए, आशा रखे सभी भाई अच्छे। आज झारखंड राज्य अलग किया गया 24 साल होने को, आज इस राज्य को अलग करने में अनगिनत झारखंड के लोगों ने अपना बलिदान दिया। चाहे आदिकाल में बिरसा मुंडा की बात करें, तिलका मांझी फोटो हो, रघुनाथ महतो की बात करें, शेख बिहारी की बात करें, ये झारखंड राज्य को अलग करने में जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी, शिव सरन या निर्मल महतो, सुनील महतो की बात करें, जब से इतिहास को हम लोग जान रहे हैं, इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास को हम लोग समझ रहे हैं, तब से लगातार हमारे लोग गई, ताकि लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड के भूभाग में रहने वाले लोगों को एक अधिकार मिले। आज झारखंड जो हमारे राज्य का नाम है, है जो हमारे राज्य का झारखंड, है झारखंड वर्कर वाले झारखंड मूल समस्या, ये भूभाग, ये मिट्टी जिस मिट्टी में आप और हम बैठे हैं, ये मिट्टी जिस मिट्टी में हमारे बैठे हैं, ये मिट्टी जिसमें एक दिन हमको दफन हो जाना है, खंड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, यही झारखंड है। झाड़ी पहाड़ और खंड यानी जमीन, जंगल और जमीन, उसी के अर्थ को झारखंड कहते हैं। लेकिन आज नजर उठा के देखिए, आज नजर बढ़ा कर देखिए, आपकी नजर कंपनियां अगर मनमाने ढंग से काम करेगी, पाला भारत विकास का कोई विरोधी नहीं है,
भीड़ अगर एक बेटा तैयार हुआ ना उद्धव सिंह बनने के लिए, तो आपको दिल्ली में घुसकर इंतजाम लेगा विश्वास को याद रखिएगा। बिल्कुल आज मैं कुल्हान की धरती से बात को साफ साफ कहना चाहूंगा, आज बेशक ये गांधी का देश है, इस देश को लोग कहते हैं ये महात्मा गांधी का देश है, लेकिन महात्मा गांधी को कोई नहीं मानता है, खासकर ये कंपनी के लोग नहीं मानते हैं, ये IAS IPS लोग नहीं मानते हैं, ये मिनिस्टर लोग नहीं मानते हैं महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी का एक ही कथन था कि रिसोर्सेस आर नीड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड, यानी कि अगर कोई संसाधन है वो हम सबों के लिए है, एक व्यक्ति की जेब भरने के लिए नहीं है। ये खुद नहीं मानते हैं गांधी के विचारों को, इसलिए आज हमें लगता है कि गांधी के देश में युवाओं के लिए नई आंधी लेकर आना होगा, ऐसी आंधी लेकर आना होगा जिस आंधी में ऐसे बेमान लोग जलकर खाक हो जाए, हमें ये तैयारी करनी होगी। आज हमें कहते हुए बड़ा दुख लगता है, आज केवल आजादी के समय ही नहीं अलग झारखंड भी छोड़ दीजिए, अरे झारखंड अलग मिलने के बाद भी हमारी हत्याएं हुई है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण 2007 है जब हमारे अमर शहीद वीर सांसद सुनील महतो को कहा, इस लोकतंत्र में हम अपने आप को कहां खोजेंगे, इस गांधी के देश में हम अपने आप को कहां खोजेंगे, हमारे लिए न्याय कहां है आप ही बताइए। अरे अंग्रेजों के टाइम लड़ना चाहिए समझ में आता है, वो अंग्रेज लोग वो गोरे लोग प्रदेश के विदेश के लोग थे, वो सात समंदर पार से आए थे, वो हमारी भाषा नहीं समझते थे, वो हमारे जैसा कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आजाद होने के बाद भी हमारी हत्याएं हुई। अरे आजाद तो छोड़ दीजिए, झारखंड राज्य 2000 में बना है, झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी हमारी हत्या हुई, और हत्या किसी इज्ञे तुग्ञे की नहीं हुई, किसी मामूली व्यक्ति की नहीं हुई, इस जमशेदपुर के इस कोल्हान के एक वीर एक बब्बर से सुनील महतो की हत्या हुई, अब एक गोली नहीं 12 गोलियां दागा गया। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में हम न्याय कहां खोलेंगे, हम किस सरकारी दफ्तर में माथा टेकेंगे, आप ही बताइए, किसी की हैसियत है हमारे साथ न्याय करने का, किस IAS IPS का हैसियत है हमारे साथ न्याय करने का, जब हमारे सांसद की हत्या हो जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मार दिया जाता है, तो हम कहां न्याय मांगेंगे बताइए, आप ही बताइए झारखंड वासियों, बताइए हम कहां न्याय मांगेंगे, किस चौखट में हम न्याय मांगेंगे, किस मंत्री के सामने अपना सर झुकाएंगे, हम कहां न्याय मांगेंगे, हमारे साथ न्याय हो, जब संसद को लोग ये नहीं गिनते हैं, 12 गोलियों से उनकी हत्या हो जाती है, हम कहां जाएंगे, आम व्यक्ति हैं हम, बड़ी मुश्किल से दिन भर में रोजी रोजगार करते हैं तो परिवार का भरण पोषण करते हैं, हम आम व्यक्ति हैं, हम सताए हुए लोग हैं, हम ठगे गए लोग हैं, हम किसके पास जाए फरियाद लेके, किस दरबार में जाए हम अपनी फरियाद लेके, कि एक फरियादी आया है, उस फरियादी की समस्या क्या है, उसका समाधान कौन करेगा, आप ही बताइए कौन करेगा हमारी समस्याओं का समाधान, कौन करेगा हमारे साथ न्याय, आज जो अन्याय और जुल्म सितम हमारे साथ हो रहा है इसका न्याय कौन करेगा, इसलिए आज हमें इस बात को कहना होगा कि आज हमारी युवा पीढ़ी को एक बार फिर से एक लंबे आंदोलन के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए, एक लंबे संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं तो एक दिन निश्चय हमारी जीत होगी। आज जो हम इतना कर पा रहे हैं, आज जो इतना हम उनके सामने आंख से आंख मिलाकर भिड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने हिम्मत दिखाया, अगर हमारे पूर्वज हिम्मत नहीं दिखाते, अगर हमारे पूर्वज इनसे लड़ाइयां नहीं लड़ते, तो आज और हम आप गुलामों की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते, लेकिन आज हम इनसे आंख मिलाते हैं, हम जेल जाने से नहीं घबराते हैं, कारण हमारे पूर्वज लड़े थे, इसे आज फिर से समय की मांग है कि अगर आज हम लड़े और लड़ते लड़ते अगर मर भी गए तो आने वाली पीढ़ी बदला लेने का साहस करेगी, लेकिन आज अगर लड़ते लड़ते हमने घुटने टेक दिए तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी, अभी हमको और आपको तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी गुलामी की जंजीरों में पले या आजाद हवा में सांस ले, कि हमें और आपको तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का नहीं बताइए, आज आप पूरे झारखंड में बेशक 24 जिला है, लेकिन आज भी जिन्होंने झारखंड आंदोलन को नजदीक से देखा है,
जिन्होंने झारखंड आंदोलन पर किताबें लिखी है, जो झारखंड आंदोलन को समझते हैं उनसे पूछिएगा, वो एक ही लाइन कहेंगे, असल में आंदोलन कोई लंचल और कुल्हाड़ नहीं हुआ। बाकी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको गिफ्ट में राज मिला, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे हमारे जिले हैं जिनको पहाड़ में झारखंड मिला है, लेकिन असल लड़ाई कोयलांचल और कोल्हान, क्योंकि शोषण वहां का, यहाँ स्वर्ण रेखा की नदी है तो दामोदर नदी है, और नदी का मतलब कंपनी का जगह, कंपनी का जाल में नहीं लगती है, कंपनी मरुस्थल में नहीं लगती है, कंपनी नदी के किनारे स्थापित होती है। तो यहाँ थी स्वर्ण रेखा नदी और धनबाद बोकारो में थी दामोदर नदी, यानी जो लोग बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शेख लोग जिनकी नजर थी हमारी धरती पर, उन्हें दो जगह बहुत भाया, एक स्वर्ण रेखा नदी का किनारा और दूसरा दामोदर नदी का किनारा। आज अगर अन्याय की बात करें कहीं अगर सबसे ज्यादा है तो स्वर्ण रेखा नदी का किनारा और दूसरा दामोदर नदी का किनारा। इसलिए आज हमें ऐसा फिर लगता है कि अलग झारखंड में आज 24 वर्ष हो गए अलग झारखंड का, लेकिन आज भी हमारे लोगों के पास अधिकार नहीं है। अभी एक दिल्ली आई थी, वो पीजीपी का किस्सा सुना रही थी, कोई जेएसएससी का किस्सा सुनाता है, कोई जेपीएससी का किस्सा सुनाता है, बताइए झारखंड किसके लिए बना? आप ही बताइए कि झारखंड राज्य को अलग क्यों किया गया था, आखिर अलग होने का क्या जरूरत थी हमारे वीरों को अपने रक्त की आहुति देने की, अपने गर्दन तक कटाने की, आखिर क्या जरूरत थी, अभी बताइए, आखिर हमने ये अलग झारखंड क्यों लिया? हम बिहार राज्य में हुआ करते थे, उससे पहले हम बंगाल के साथ उड़ीसा के साथ एक साथ रहा करते थे, आखिर क्या जरूरत थी हमें अलग झारखंड बनाने की, क्यों हमें अलग झारखंड लेना मुनासिब समझा? कारण यह था कि जब हम लोग बिहार बंगाल उड़ीसा के साथ मिलकर रहते थे तो हमारा मान सम्मान नहीं था, हमारे अधिकारों का हनन किया जाता था, इसलिए हमने ये मांग किया कि हम आपके साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे, आप अपनी बॉर्डर रेखा बनाइए, आप अपनी एक बाउंड्री वॉल बनाइए और उस वॉल के बाहर आप रहिए, हमें हमारा अलग झारखंड राज्य चाहिए। आज हमने अलग झारखंड राज्य नक्शे से ले लिया, आज हमने बिहार जिले के, माफ कीजिएगा, बिहार राज्य के एक हिस्से को काटकर 79,714 वर्ग किलोमीटर और उस समय 18 जिलों को काटकर हमने एक अलग झारखंड राज्य अलग तो ले लिया, नक्शे में अलग ले लिया, संवैधानिक दृष्टिकोण से अलग ले लिया, भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग ले लिया, लेकिन अधिकार की अगर बात कीजिएगा तो आज भी झारखंड में झारखंड के लोग सही नहीं दिखे। आप चले जाइए, कहीं चले जाइए, सरकारी दफ्तर में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, टाटा में चले जाइए, उषा मार्टिन में चले जाइए, टिस्को में चले जाइए, आप जहां जाना है वहां झारखंड को या तो मजदूरी करते हुए मिलेंगे, या तो दरबानी करते हुए मिलेंगे, या तो चपरासी करते हुए मिलेंगे, आप बताइए कितने जीएम मिलेंगे, कितने जीएम है क्या बताएंगे? भाई जमीन हमारी, आज टाटा जो इतना फल रहा है, फूल रहा है, पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, किसके कारण? हमारी जमीनें ले ली। कितने लोग जीएम बन के गए हैं झारखंड में? क्या कोई आपके पास कोई बेटा है? अरे आपके पास तो छोड़िए, इस देश के प्रथम, माफ कीजिएगा, इस राज्य के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार किसी कार्यक्रम में आए थे टाटा जमशेदपुर, उन्होंने भी प्रबंधन से एक ही सवाल किया था कि आज 100 साल होने वाला है टाटा का, आपने झारखंड के कितने लोगों को वीसी बनने का मौका दिया? वीसी यानी वाइस चांसलर नहीं, वाइस चेयरमैन, यानी कितने लोग झारखंड के वाइस चेयरमैन बन पाए? ये मेरा सवाल नहीं था, ये सवाल इस राज्य के प्रथम रहनुमा, जैसे देश के प्रथम रहनुमा राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। ये सवाल इस राज्य के राज्यपाल का था कि आज का 100 साल होने वाला है टाटा का, कितने झारखंड के लोग वीसी बने, एक रिपोर्ट हमें सौंपा जाए। एक लोग आज तक वीसी नहीं बन पाए, आज एक वीसी नहीं बन पाए टाटा में, तो बताइए आपने कौन सा विकास किया? हाँ आपने विकास किया, कैसा विकास? कि आपने एक ढोल बजाया, वो ढोल सुनने में बड़ा मधुर लगता है,
बड़ा मिठास लगता है, उस ढोल की आवाज पूरी दुनिया सुनती है, सुनने वाले कहते हैं यार बड़ा सुंदर ढोल है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस ढोल को बनने में चमड़ा का यूज होता है, वही चमड़ा झारखंडी का। इसके बाहर आपने कुछ नहीं किया है, इसके बाहर आपने कुछ नहीं किया है। हाँ, आपका काम यूपी वालों को अच्छा लगेगा, एक इतना जमीन नहीं गया है तो यूपी वाले आपकी तारीफ करेंगे, तो यहाँ कमाई कर रहे हैं। आपका तारीफ बिहार वाले भी करेंगे, टाटा अच्छा है, एक इतना जमीन नहीं गया है, एक आदमी का मर्डर नहीं हुआ है उनका, वो तारीफ करेंगे। आपका तारीफ उड़ीसा वाले और बंगाल वाले भी करेंगे, क्या एक इतना जमीन नहीं गया है। झारखंडियों से पूछिए टाटा कैसा है, वो एक ही लाइन कहेगा, बेशक उसने दुनिया में नाम कमाया और नोट भी छापा है, लेकिन हमारी लाशों के ढेर पे छापा। आज हम यही कहने आए हैं, आज हम यही कहने आए हैं, हिम्मत मत हारिएगा। हम मानते हैं कि हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है जितना ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ, जितना इस पूरी दुनिया में पूरी सृष्टि में किसी के साथ नहीं हुआ है। अरे जितना रक्तपान चंगेज खान की तलवारों ने, सिकंदर की तलवारों ने, और उस समय के राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनकी तलवारों ने जितना रक्तपान नहीं किया है, उतना रक्तपान झारखंडियों का इन पूंजीपतियों ने, इन कॉर्पोरेट जगत ने किया है, इतना हमारे साथ अन्याय हुआ। एक ही हम अपने दिल को एक ही तसल्ली देते हैं कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर 33 साल की उम्र में खाली लौट कर गया था, बुरा वक्त इन टाटा को उषा मार्टिन और एक ही अमुना ऑटो ने क्या है, इसका भी आएगा। हम उस इंतजार में बैठे हैं, हम उस इंतजार में बैठे हैं। आज जो IAS IPS हम चाँद दिखा के बात कर रहे हैं, एक दिन उनकी वर्दी की गर्दी भी थमेगी, हम उस इंतजार में बैठे हैं। बिल्कुल हौसला देकर जाइएगा अपने आने वाली पीढ़ी से, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, यहाँ कोई अमृत पान करके नहीं आया है, ये किताबों की बातें हैं, ये फिल्मी दुनिया की बातें हैं, रियल लाइफ में कोई अमृत पान करके नहीं आया है। बस अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि हमारे साथ अन्याय क्या हुआ है, हमारे साथ जुल्म क्या हुआ है, और उनसे जरूर कहिएगा हौसला रखना, इसी धरती में 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी धरती में यानी भारत की के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, भले वो 300 साल बाद गई, वापस लौटी की नहीं लौटी। ठीक है, टाटा का भी 100 साल हुआ है, अगर ये अपने कार्य में बदलाव नहीं लाते हैं, अगर ये झारखंडियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये 100 साल का जो टर्म पूरा किया है, 150 साल आते आते इनका भी वही हश्र होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का हुआ था। देखते हैं कि आज ये अन्याय करने वाले कितने ताकतवर हैं। अरे मानते हैं आज इनके पास पूरा सिस्टम इनकी जेब में है, लेकिन हमें विश्वास उस प्रकृति पे है, हमें विश्वास उस पे है जिसने दुनिया बनाया है। अगर सच में हमारे साथ अन्याय हुआ है तो जरूर किसी न किसी बहाने इनसे हमारा इंसाफ लेगा, इनसे हमारे लिए न्याय मांगेगा, हमें पूरा विश्वास। आज बड़ा दुख होता है, आज हमें इतना दुख होता है कि ये कंपनी आज हमारी मिट्टी पे खड़ी है, आज ये कंपनी हमारे गांव पे खड़ी है, और आज हमारे लोगों का तिरस्कार किया जाता है, हमारे लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल में भर दिया जाता है। आज बहुत दुख लगता है, उम्मीद करते हैं ये दुख के बादल एक दिन जरूर छटेंगे, हमारा समय जरूर आएगा, उस दिन के लिए हमें मेहनत करना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, और हमें इंतजार करना होगा उस दिन का। समय ताकतवर होता है, हम और आप ताकतवर नहीं होते हैं, हमारा समय आज मिला है। हम मानते हैं आज हम बदनसीब हैं, आज हमसे लाचार बेबस शायद दुनिया में कोई होगा, कि आज हमारे गांव उजड़ गए, हमारे खेत खलिहान उजड़ गए, आज कंपनी का धुआं हमको मिला, उस धुएं से बीमारी हमको मिली, और आज नोट छापने का काम पूरे इंडिया के लोगों ने किया, और बदले में आज भी हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। तो जरूर हमारे साथ अन्याय होगा, उसके लिए हमें पहल करनी होगी, उसके लिए हमें एकजुट होना होगा, उसके लिए हमें संगठित होना होगा, उसके लिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, और लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे लिए एक नया सवेरा नहीं आएगा, तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इस बात के लिए प्रधान वासियों को तैयार रहना होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि इन्होंने निर्मल महतो जैसे बब्बर शेर के सीने में गोली डाल दी। निर्मल महतो यानी झारखंड का सबसे बड़ा लीडर उस समय का, बड़ा लीडर यानी सबसे बड़ी पार्टी उस समय की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज भी सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की।
और उस पार्टी का सेंट्रल प्रेसिडेंट, उस पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष कौन? निर्मल महतो। उस शख्स को मारने में उन्होंने देर नहीं किया तो हमारी जाति विषाद किया। इसलिए लंबी लड़ाई है, ये संघर्ष लंबा है। आज हमें दृढ़ता का परिचय देना होगा, आज हमें मजबूती के साथ लड़ना होगा। और यकीन मानिए, अगर आज हम लड़ेंगे ना तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के पास कुछ तो बचेगा। आज अगर हम नहीं लड़े तो आज जिस प्रकार इन्होंने हमारे घरों को घेर लिया है, जैसे इनके बाप का है, आज जैसे ये बाउंड्री वॉल करके बैठे हैं, जैसे इनके बाप का है, इनके बाप ने पहाड़ को काटा है, इनके बाप ने खेत बनाया है, बस समय इनका है, इनकी जेब में पैसा है और जितने अधिकारी पदाधिकारी लेते हैं संविधान का, लेकिन सब पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन हमारा दौर आएगा, जरूर ये बाउंड्री वॉल भी टूटेगा और ये जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनका हौसला भी टूटेगा, उनका हौसला भी टूटेगा। इसलिए आज हमें हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी हिम्मत को हौसला दीजिएगा, अपने अंदर के गुस्से को एक पात्र में, एक सांचे में ढाल कर रखिएगा। हमें आशा है हम जरूर ये पीढ़ी, आज ये 21वीं सदी के झारखंड के युवा झारखंड के लिए एक नया सवेरा लेकर आएंगे, हमें पूरा आशा है। और आप सभी से कहना चाहेंगे साथ ही साथ कि हमारी लड़ाई आंदोलन के माध्यम से भी होगी और हमारी एक लड़ाई सदन में जाने के लिए भी होगी। हालांकि हम लोग लोकसभा का चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने एक बात कहा था कि याद रखना गालिब, अगर आप जीत भी गए और हम हार भी गए तो हमारे हार के चर्चे आपके जीत से ज्यादा होंगे। और हुआ, जो जीते हैं वो मुंह लटका के बैठे हैं कि मंत्री पद कहे नहीं मिला, जो लोग जीत के गए हैं दिल्ली वो मुंह लटका के बैठे हैं कि मंत्री पद कहे नहीं मिला। और हम हार के जेनियो जाए में बैठ रहे हैं, हम हार के इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में बैठ रहे हैं, हम हार के दिल्ली के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं। ये हमारे चर्चे में, ये हमने पहले ही कहा था, इसलिए कोई बात नहीं। लोकसभा का चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं, हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, हम लोग झारखंड की जनमानस की हिम्मत बनने आए हैं। हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे, अगर समझौता करना रहता तो आज आपके विद्युत दादा के साथ साथ और जुबा मांझी दीदी के साथ साथ हम भी संसद भवन में शपथ ले रहे होते, लेकिन शर्त क्या होता कि उनकी दलाली करनी होती है। हमें दोनों पार्टियों ने, यानी जिस पार्टी से विद्युत दादा जीत के सांसद बने और जिस पार्टी से जुबा मांझी दीदी जीत के सांसद बनी, दोनों पार्टियों ने भर किया था कि आप सीट चयन के लिए, आप गिरडी से लड़ेंगे, आप रांची से लड़ेंगे, धनबाद से लड़ेंगे, तीन तीन सीट हमें ऑफर किया गया था कि आप लड़िए, हमारी पार्टी से लड़िए, आप पे हम लोग करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे, आपको हेलीकॉप्टर भी देंगे, कितना दिन स्कॉर्पियो में चलिएगा। हमने एक ही चीज कहा था, हमने एक ही चीज कहा था कि पारा साहब के जंगलों से निकला हुआ टाइगर है, गर्दन में पट्टा मंजूर नहीं है। उनको मालूम है कि पार्टी से जीतने के बाद क्या होता है, मालूम है। ये मंत्री जी भले अभी मंत्री नहीं है, हमको भी दुख है, बुढ़ापे में हटा दिया, हमको भी दुख है, बुढ़ाई समय में इनका साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बोसे चचा चचा बोलते हैं, चचा के साथ भतीजा ने खेला कर दिया है। लेकिन हमें दो चार पदाधिकारी कह रहे थे, आपके विषय में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं मंत्री जी से एक बार मिलिए, अगर मंत्री जी के पास जाएंगे तो झोला लेके जाना, और पता नहीं झोला में वो क्या लेके जाते हैं, चावल लेके जाते हैं, सब्जी लेके जाते हैं, कोयला लेके जाते हैं। लेकिन वो अधिकारियों ने कहा कि अगर मंत्री जी से जाना होगा समस्या के बारे में मिलने के लिए तो मंत्री जी मिलेंगे बाद में, पहले झोला देना हो, पता नहीं झोले में क्या होता है। तो यही हाल हमारा होता, यही हाल हमारा होता अगर हम सांसद बन भी जाते हैं, एमपी आज अगर बन भी जाते हैं बीजेपी कांग्रेस जेएमएमयू में जाके, तो यही हाल हमारा होता। हम टाटा पे बोल नहीं पाते, हम जमुना ऑटो पे बात नहीं कर पाते, हम विस्थापन पे बात नहीं कर पाते, हम पलायन पे बात नहीं कर पाते, हम आईएसआईपीएस के साथ सवाल नहीं कर पाते। तो भैया हमने यही कहा है कि पारसनाथ टाइगर है, आजाद रहना पसंद करेंगे, आपको आपकी गुलामी राजनीति मुबारक।